हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाराणसी यूट्यूबर मीनाक्षी। फ्रेंड्स, तो ये है वेडनेसडे, इवनिंग का टाइम है। इवनिंग आप लोग बोल सकते हो कि ये 4 से 5 के बीच का टाइम है। तो बच्चे लोग को मैंने निकाला था बाहर थोड़ा खेलने के लिए, ये लोग घर में बैठे बैठे उब जाती हैं। तो ये बगल का एक है बाबू, तो उसको लेके इन लोग खिला रही है। तो मैंने भी उसे गोदी में लिया था, तो ये लोग बच्चों को लेकर खिलाने में बहुत इनको अच्छा लगता है। तो वो भी पूरा बैठ के खेलता है अच्छे से, रोता भी नहीं है। तो देखिए, बस उनको गोदी मिले, ये लोग खुद छोटी छोटी हैं फिर भी बच्चों को खिला रही हैं। तो इसलिए मैं भी बैठ के देख रही हूँ कि ताकि बच्चा को इन लोग गिराए नहीं। तो बस इन लोग को शाम के टाइम थोड़ा सा खेलने को जाता है, कोई भी बच्चा हो तो शाम के टाइम में खेलने को तो ज़रूर जाता है। तो बस मैं अभी आई हूँ अपने घर। तो बस इन लोगों को बाहर शाम के टाइम थोड़ा सा निकाल देते हैं गेट खोल के कि थोड़ा सा ये लोग खेल ले। तो बगल का बाबू है तो इसी को इन लोग खिलाने लगे, तो मैं भी अपना बैठ के देख रही हूँ। तो बस मौसम तो बहुत ही अच्छा था, इस समय तो उतना गर्मी भी नहीं पड़ रही है, बहुत ही अच्छा। तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम। इसका ये है कि रोता भी नहीं है, बहुत अच्छे से खेलता है और पूरा बैठा रहता है, किसी की गोदी में भी चला जाता है। तो बस ये देखिए ये खेल रहा है। तो ये लोग भी पूरा खिलाने में, बच्चों को बहुत इन लोगों को शौक लगता है खिलाने में। तो मैं उसे पकड़े हुए ताकि इन लोग गिराए नहीं। और ये भी बगल का एक है बच्चा, तो पूरा इन लोग बाहर निकल जाते हैं तो पूरा अपने मन का अच्छे से खेलती हैं। तो बच्चे लोगों को खेलना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने निकाल देती हूँ खेले। और मैं बच्चे को पकड़ी हुई ताकि इन लोग गिराए नहीं, और पूरा खुश होती हैं इन लोग खिलाती हैं बच्चे को। तो बस शाम का ये वेडनेसडे का शाम का टाइम है, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे, बच्चे लोग थोड़ा खेल लेते हैं, फिर इसके बाद घर में आते हैं। तो फिर इन लोगों को थोड़ा मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा इन लोग खेल लेती हैं तो थोड़ा बच्चों को खेलना भी ज़रूरी होता है। तो खेल लेती हैं, फिर इसके बाद घर में आएंगे तो मैं इन लोगों को थोड़ा सा बैठा के पढ़ाऊँगी। फ्रेंड्स के पास ये बच्चे खेलने आने के बाद, इस समय अंधेरा हो गया था बाहर, तो बस मैंने इन लोगों को थोड़ा पानी वानी पीने को दिया, दूध दूध पिला के। मैंने कहा चलो मैं बैठा के तुम लोगों को थोड़ा देर पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये लोग पढ़ने में बहुत ही परेशान करती हैं।
मैंने अभी छोटी वाली बेटी अभी मेरी 3 साल की नहीं हुई है तो इसलिए उसका एडमिशन नहीं कराया, बट इस बार कराना है इसका एडमिशन। और बड़ी वाली बेटी का एडमिशन कराया था, LKG इसका कंप्लीट हो गया है और उसके बाद UKG में उसका एडमिशन कराना है, क्योंकि इधर मैं बाहर अभी हस्बैंड के साथ मैं बाहर हस्बैंड मेरे जहाँ ड्यूटी करते थे सिक्किम में, तो मैं उधर ही रहकर इन लोग को पढ़ा रही थी, तो अभी वहाँ से पोस्टिंग आ गई थी तो इसलिए हम लोग यहाँ बनारस आ गए हैं घर पे। फिर अभी पोस्टिंग उनकी गई है नई जगह ऋषिकेश गई है, तो वहाँ से बच्चों को हम लोगों को वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं वहाँ ले जाकर बच्चों को पढ़ाऊँगी, तो तब तक मैं इन लोगों को घर पर ही पढ़ा रही हूँ ताकि इन लोग जो भी पढ़ाई की है वो भूले नहीं, क्योंकि बच्चे लोग को तो रोज़ ही पढ़ाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि रोज़ नहीं पढ़ाने से तो ये लोग भूल जाते हैं। तो बस वही मैं बच्चों को थोड़ा सा बैठा के पढ़ा रही थी, और छोटी वाली बेटी को तो अभी स्कूल में गई नहीं तो इसलिए उसको कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए मैं उसे बैठा के दोनों लोग को पढ़ा रही हूँ। पहले लाइन से पढ़ो, कहाँ तक पढ़ी? यहाँ तक। F तक पढ़ी ना, जी वाला पढ़ो। जी जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स का फल नहीं हिलेगा। जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स मींस अंगूर, अंगूर, अंगूर का स्पेलिंग क्या होगा? जी आर ए अंगूर, जी ई एस।
हेलो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे थर्सडे का इवनिंग का टाइम है, तो मैं जा रही हूँ शाम के टाइम में पास्ता बनाने के लिए। तो पास्ता मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया है, इधर कढ़ाई चढ़ा ली है। प्याज टमाटर और मिर्चा इसमें डालूंगी और गरम मसाला और नमक सब ऐड करके बनाऊंगी। तो पास्ता मैंने बॉयल कर लिया है, तो थोड़ा सा इसमें मैं जीरा का तड़का दे दूँगी। और शाम के टाइम में बस थोड़ा सा कुछ नाश्ता वास्ता चाहता है, तो इधर बाहर से रोशनी पूरा आ रही है। तो ये देखिए, मैंने टमाटर मिर्चा और प्याज थोड़ा एक ही में कट कर लिया है, तो इसको जीरा तड़कने के बाद इसमें प्याज सब डाल दूँगी। फिर इसके बाद ये अच्छे से मेरा प्याज सब भुना जाएगा, टमाटर गल जाएगा नमक डालने के बाद। तो फिर उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, हल्दी पाउडर उसमें मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मसाला तला जाएगा तो उसमें पास्ता मिक्स कर दूँगी। और चाय मैंने पहले ही बना लिया है, क्योंकि मेरे बच्चों को पास्ता बहुत ही पसंद है, मुझको तो उतना नहीं अच्छा लगता, फिर बच्चों को पसंद है, तो इसलिए मैं पास्ता बना रही हूँ। तो बस इसी तरह नॉर्मली मैं बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, एक ही बस ये पास्ता मैंने बना लिया है, तो अपने बच्चों को दे दिया है खाने के लिए, तो ये लोग पूरा खा रही है। और ये लोगों को मैंने पास्ता जो दिया है, तो ये पूरा छोटे छोटे प्लेट में ही दिया है, क्योंकि ये लोग इतना ही पास्ता पूरा ख़त्म नहीं कर पाएंगे।
तो इन लोगों को पहले मैंने चम्मच दिया था, तो इन लोगों को ये कांटे वाले चम्मच से चाहिए था खाने को, तो उसी से देखिए लगा लगा कि ये लोग खा रही है कोई भी चीज़। इन लोगों को बस खाने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है, तो मैंने भी अपना चाय लेकर आ गया। और इन लोगों को मैंने पहले दूध पहले ही दे दिया था, फिर उसके बाद दूध इन लोग को पीने के बाद, तब उसके बाद मैंने पास्ता दिया खाने को, तो मैं भी अपना लेकर आई हूँ, तो मैं भी अपना खा लेती हूँ और चाय लेकर आई हूँ, तो दोनों में साथ में नाश्ता कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ये लोग बाहर जाएंगे खेलने के लिए। बार बार इन लोग पूछे मम्मी गेट कब खोलोगी, खेलो खोलोगी, बाहर जाना है खेलने। तो मैंने कहा पहले आप लोग नाश्ता कर लो अच्छे से, तब उसके बाद जाना खेलने के लिए। तो ये लोग देखिए पूरा इधर खा रही हैं और जल्दी इन लोग खाती भी नहीं है, पूरा परेशान करती है। और थोड़ा सा खाएंगे फिर उसके बाद जितना बचा है वो भी छोड़ दूँगी, तो आप लोग भी लीजिए खा लीजिए। तो बस इधर मैं अपना चाय और पास्ता आया, ठीक है, एंजॉय कर लेते हो। मेरा देखकर ये भी मेरी छोटी वाली बेटी वो भी अपना दिखाने लगी कि मुझे भी दिखाना है, मुझे भी अपना पास्ता दिखाना है। तो दोनों लोग देख मेरा देखकर ये लोग भी आप लोगों को दिखा रही है। फ्रेंड्स ये पास्ता वास्ता खाने के बाद बच्चे लोगों को बाहर चली गई थोड़ा सा खेलने के लिए, तो मैं जो बाहर का कपड़ा था उसको उठा के इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। शाम सुबह का जो कपड़ा था सूख गया था, तो दिन भर थोड़ा धूप भी आजकल हल्का हो रही है, तो इसलिए उसको थोड़ा शाम में ही हम लोग निकालते हैं उठाते हैं कि ताकि जो भी है तो हवा से भी थोड़ा सा लग के सूख जाए। तो बस इधर मैं अपना कपड़ा वपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, और बस इधर कपड़ा फोल्ड करने के बाद शाम में थोड़ा सा बच्चों को मैं बाहर जाऊँगी देखने के लोग कैसे खेलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो लोगों को देखना पड़ता है कैसे खेलने कैसे नहीं। तो इधर मैं अपना कपड़ा जो है फोल्ड कर देती हूँ, बच्चे लोग का है मेरा है, और बस यही सब कपड़ा है। फोल्ड करने के बाद मैं जाऊँगी बच्चे लोग को देखूँगी कि कैसे इन लोग खेल रही हैं, क्योंकि आपस में इन लोग छोटे छोटे बच्चे 3-4 बच्चे खेलते हैं तो इन लोगों को देखना भी पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं, मैं अपना कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, इसके बाद मैं अपना वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी इधर लाइट चली गई है, तो चलिए मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ और मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिएगा। और ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।